नमस्कार, हेल्दी इन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ सोया मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप घर में छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वेज रेसिपी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सोया मंचूरियन। सबसे पहले हम सोया मंचूरियन बनाने के लिए एक पतीले में गर्म पानी करेंगे, उसमें डालेंगे सोया नगेट्स, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सोया सॉस। इन दोनों चीज़ों को डालकर इसे सॉफ्ट होने तक उबालना है। मैंने यहाँ पर मीडियम आकार के सोया चंक्स लिए हैं, आप चाहें तो छोटे या बड़े आकार के भी ले सकते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट में सोया अच्छे से उबल चुका है और सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके पानी को निचोड़ लें, इतना भी ज़्यादा ना निचोड़े कि एकदम से ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं इसे दबाने पर 1 से 2 ड्रॉप पानी निकल रहा है। अब इसके ऊपर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे हम मैदे का उपयोग करेंगे। जितना कॉर्नफ्लोर उतना ही मैदा डालेंगे। अब इस मैदा और कॉर्नफ्लोर में इस सोया नगेट्स को अच्छे से कोट करना है। आप चाहे तो अपने हाथों की सहायता से इसे बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करें, ये बहुत ही अच्छे से कोट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सोया नगेट्स के ऊपर अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लोर लग चुका है। अब एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें एक एक सोया नगेट्स को हम करके डालेंगे। एक साथ डालने के बाद ये चिपक जाते हैं। सोया नगेट्स के डालने के बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दें। सोया मंचूरियन को बनाते समय आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके सोया नगेट्स ज़्यादा ड्राई ना हो, इसे उतना ज़्यादा ना निचोड़े कि इसके अंदर का फ्लेवर और जूसीपन ख़त्म हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर से जूसी है। इसी तरह से हम सारे सोया नगेट्स को फ्राई कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। सोया तो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो चलिए इसे तड़का लगाने के लिए कुछ चीज़ें हम पहले से ही तैयार करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख ली है, क्योंकि यहाँ पे सारी कुकिंग हमें हाई फ्लेम पर ही करनी है। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1/2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कलर आने तक भूनेंगे। जब ये दोनों चीज़ें भून जाएँ तो इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई और 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई। अब इसी समय इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च टुकड़ों में कटी हुई और 1 प्याज को 4 टुकड़े काट कर उसके परतों को अलग करके मैंने डाला है। इस तरह से इसे थोड़ा सा सैलो फ्राई करना है। आप यहाँ पे फुल फ्लेम पर ही इन चीज़ों को फ्राई करें। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया की डंडी। धनिया की डंडी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। इसे डालकर थोड़ी देर तक भुनेंगे। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे सेलो फ्राई करना है। पास हो ग्रीन अनियन हो तो इसमें ज़रूर ऐड करें। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 चम्मच टमाटो केचप और 1 चम्मच सोया सॉस को डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो 1 चम्मच ज़रूर ऐड करें, उससे फ्लेवर और भी अच्छा आता है। तीनों सॉस को डालकर सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है। मैंने पहले से ही 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 1 कप पानी में घोल कर रखा है। अब इसी समय उस स्लरी को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं सॉस और सब्जी इस स्लरी को डालने के बाद कितनी गाढ़ी होने लगी है। अब इसी समय इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप अपने अनुसार ग्रेवी गाढ़ी या पतली कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए सोया नगेट्स और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं आपके सोया मंचूरियन बनकर रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी, कम समय में और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला सोया मंचूरियन। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे रोटी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।